मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत है सुबह के 10 से, तो मुझे जाना है आज क्लास के लिए, तो मुझे हो गया काफ़ी लेट। तो आज मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, वो मुझे छोड़ेंगे। तो हल्द्वानी में ही है मेरी एक क्लास, वो आपको मैं वहीं जाके दिखाऊंगी कि मेरी किस चीज़ की क्लास है। तो आपको मिलती हूँ मैं सीधे होटल में। बाय। तो हम निकल चुके हैं स्कूल में और हस्बैंड है मुझे छोड़ेंगे, और आज इन्हें भी लेट हो गया अपनी शॉप के लिए। तो देखिए, आज कल इधर जो हो रहा है पूरा पतझड़, वरना गर्मियों में बड़ा अच्छा होता है ना। इधर गर्मियों में सब बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, और आजकल जो है पतझड़ की वजह से पूरा सूखा सूखा लग रहा है। कभी आ रही है धूप, कभी हो रही है छाँव, तो बादल वाला मौसम है। वैसे बादल लग गए ना आज, बारिश बता रखी है दोस्तों। तो मैं पहुँच चुकी हूँ होटल सुंदरम। क्लास स्टार्ट है हमारी यहाँ। चलेगी हमारी क्लास। तो यहाँ चल रहा है ब्रेकफास्ट, रुचि मैडम भी आ गई हैं। आज इस थोड़ा लेट आई है, मैं तो यहाँ ले रही हूँ चाय। क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्लास स्टार्ट होने वाली से पहले हम लोग आपके इतना इंतजार करने का शुक्रिया बहुत बहुत, जो लोग पहले से आए हैं। आप सब ने होपफुली सेकेंडरी फर्स्ट सीजन कौन सा वाली बता देता हूं। आने वाली हमारी बाल वर्जन है, राइट। बालों का कलर बैलेंस होंगे, बाल मोटा है, सो आप लोग शैम्पू करेंगे 2 टाइम। करने का प्रोसेस सिंपल, बालों को वेट करना है अच्छे से, ओवर एक्सेस वाटर को निकाल देना है, एंड शैम्पू से अपने बालों में लेदर क्रिएट करना है और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ना है। तो देख के आते कि केमिकल कैसा है। पहले सेक्शन को नीट करो, सेक्शन को निकाल के नीट करो अच्छे से, उसका ग्रिप होल्ड करो और फिर प्रोडक्ट लगा के देन बैक चेयर का ये भी बाकी का एप्लीकेशंस पार्ट को नोट किया कर लेते हैं। वो लेंथ के हिसाब से डिपेंड करता है दोनों, हमेशा प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है ना, डेंस और लेंथ दोनों यही डिसाइड करते हैं कि घनापन कितना है, लंबाई कितनी है। बहुत सारे एरिया में आप देखते होंगे लेंथ ज्यादा है लेकिन घनेपन में इतना पतला उनका ब्लेड ग्रेड आता है, और बहुत सारे लोगों का ब्लड भी होगा बट वॉल्यूम और डेंसिटी बहुत है। तो हमेशा वो चीज डिसाइड करती है आपका प्रोडक्ट कितना लगने के लिए, है ना। दोस्तों हो चुका है लंच का टाइम। ये तो मैंने यूज करा है, बहुत अच्छा है, ये डैंड्रफ के लिए है ना, ये प्रोडक्ट। इसमें से ये तो मैंने यूज किया है दोस्तों, ये बहुत अच्छा है एंटी डैंड्रफ। 23,000 हो चुका है लंच का टाइम, तो सारे लोग खाने जा चुके हैं। आने के बाद हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की है दूसरी मॉडल, इसका हो रहा है हेयर कट, और उसके बाद हम लेंगे सर्टिफिकेट, फिर हो जाएगा हमारा ना 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 क्लास खत्म होने का टाइम। नेक्स्ट इज जया। दोस्तों यहाँ हमें मिल चुका है सर्टिफिकेट, ये रहा जो हमने आज सीखा उसके लिए, सुषमा। और अब हो चुका है हमारे जाने का टाइम। तो यहाँ हमें सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, अब हमें निकलना है घर, और मेरे साथ के जो लोग हैं वो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, अब हम सीधे निकलते हैं घर को। और सर्टिफिकेट रखा हुआ है, अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे घर पे। इन आई के ऊपर भी कर सकते हो एडवांस,
हेयर बोटॉक्स प्रो बोटॉक्स हैशटैग प्रो बोटॉक्स वन टू थ्री दोस्तों थक हार के मैं पहुंच चुकी हूं घर और बाजार से आते वक्त मैंने ली बहुत ढेर सारी सब्जी ली है मैंने इतनी ढेर सारी सब्जी जो आज बनाने के लिए धनिया गोभी शिमला मिर्च और यहाँ मेरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं आते ही मूली टमाटर और सबसे पहले आते मैंने स्टेला के लिए खाना बनाया उसके लिए अंडा और चावल तो सबसे पहले मैंने स्टेला को खाना खिलाया अब मैं खिलाऊँगी अपने बच्चे को तो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं मुझसे गुस्सा हो रहे हैं तुम चली जाती हो तो दोस्तों अब बेटी मेरी करेगी काम आटा गूंथेगी आज मैथ का पेपर बता रही बहुत अच्छा हुआ कैसा हुआ बेटा अब ये तो रिजल्ट बताएगा मेरी बच्ची का पेपर कैसा हुआ तो घर आते वक्त मैंने इतनी ढेर सारी सब्जियां भी ले ली मैंने कहा चलो अब आ रही हूँ तो सब्जी लेते आऊँ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे घर छोड़ दिया और जैसे आप लोगों को पता ही है कि मेरा एक सैलून है मैं पार्लर चलाती हूँ तो उसमें मुझे कुछ नया चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है तो मैं भी चाहती हूँ कि कुछ मैं नया और सीखूँ कुछ जैसे नया नया लॉन्च होता है हम लोग उसको सीखते हैं तो आज सुबह 9 बजे हमारी क्लास थी तो शाम के 6 बजे ख़त्म हुई है तो मैं थक भी बहुत गई हूँ और अब मुझे बनाना है घर आके खाना बच्चे बैठे हैं पीछे बच्चों का सुबह खाना पूरा रेडी करके देती हूँ मैं इन दोनों की लड़ाई हो गई है तो सुबह मैं सारा राजमा चावल सब कुछ रेडी करके गई थी अब मुझे रात का खाना बनाना है तो बच्चे कहने चिली पनीर खाएंगे तो शिमला मिर्च में लेके आई हूँ तो अब मैं बनाती हूँ चिली पनीर और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो पहले मैं फेस वॉश करके अपने कपड़े वपड़े चेंज करूँगी फिर खाने का काम करूँगी और मीठी मेरे लिए पानी गर्म कर रही है पहले एक गिलास में गर्म पानी पीऊँगी तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करती हूँ बाय बाय गुड नाइट।